नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। इस वीडियो में हम आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। वीडियो लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो दुर्विवाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो बी, दुर्विवाह में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कूटकरण धारा 28, मूल्यवान प्रतिभूति धारा 29, दस्तावेज धारा 30, लोप धारा 31। इसमें जो सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है पूछा है, तो वो है ऑप्शन ए, कूटकरण धारा 28। कूटकरण धारा 28 में है, मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30 में है, दस्तावेज 29 में है और लोप धारा 33 में है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के लिए सामान्य आशय के अग्रसारण में क्या होगा? संशोधन अधिनियम 1870 में ये जोड़ा गया था। संशोधन अधिनियम 1870 में इसको जोड़ा गया था। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा? तो ये कोई दंड नहीं। साधारण अपवाद के तहत आने वाला कोई भी कार्य दंड योग्य नहीं होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तब उपलब्ध होगा जब किए जाने वाला कार्य एक विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में हो, ऑप्शन ए। 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तब उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य एक विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो, कार्य करने में हो, ऑप्शन ए। डिटेल इसकी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली, बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो सी, डिमिनियस नॉन क्यूरेट लैक्स, डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, सी ऑप्शन, धारा 95 के तहत। देख लीजिए आप इसकी डिटेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें सही है वो है, षड्यंत्र में प्रधान एवं सहायक का अंतर नहीं होता, ऑप्शन ए। षड्यंत्र में प्रधान एवं सहायक का अंतर नहीं होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पांच या उससे अधिक सदस्यों के जवाब द्वारा उस जवाब के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा अपराध गठित करेगा? ये करेगा बलवा, ऑप्शन सी। पांच या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग निम्न में से कौन सा अपराध गठित करेगा? ये करेगा बलवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झूठी साक्ष्य देने के लिए अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी है? यह है, जो भी शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, बी, जो भी विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है, सी, जो भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या डी, उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी आंसर होगा। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कथन को निर्दिष्ट करें जो गलत है, जो गलत है वो बताना है। तो इसमें से जो गलत है वो है डी, दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा कारित करते हैं। नहीं, ये गलत है, डी इसमें गलत दिया हुआ है, डी इसमें गलत है, दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वो दंगा होगा। डिटेल आप इसकी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 तृतीय के संबंध में चार बिंदु परीक्षण विहित किया?
ये किया था बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1958 SC 465, इस मामले में किया था। डिटेल आप इसकी देख लीजिए, आपके सामने है, MP में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है। कारण है, मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है। आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक क्षति कारित की गई हो। ऑप्शन ए इसमें सही है, बाकी इसमें गलत है, आप देख लीजिए। डिटेल भी आपको दी हुई है, इसमें डिटेल देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, सूची मिलानी आपको, कौन सा केस किस बात से संबंधित है? रेक्स बनाम लेविट, यह तथ्य की भूल से। तबू चेतिया बनाम असम राज्य, यह चित्त विकृता से। विजयन बनाम केरल राज्य आपराधिक षड्यंत्र से। और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद, यह हत्या से। भारतीय दंड संहिता में दिया हुआ है, आंसर होगा सी। एक बार फिर से मैच कर लीजिए आप, रेक्स बनाम लेविट तथ्य की भूल से, तबू चेतिया बनाम असम राज्य चित्त विकृतता से, विजयन बनाम केरल राज्य आपराधिक षड्यंत्र से, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद हत्या से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विवाहित महिला शादी के दिनांक से 7 साल के भीतर आत्महत्या करती है, यह साबित है कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी, न्यायालय क्या करेगा? प्रकरण से समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति द्वारा उत्प्रेरित की गई है। ऑप्शन सी सही होगा, व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान है, मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास, सी। भारतीय दंड संहिता में मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान है, तो मृत्युदंड और अथवा आजीवन कारावास, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के हाल में संशोधन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोष सिद्ध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस एक धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा? धारा 376E, धारा 376E, सी ऑप्शन है। डिटेल आप इसकी देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एक पार्क में 15 वर्षीय एक लड़की से मिला, वह लड़की उसको बताती है कि वह 16 साल की है और उसके पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसे यहाँ से कहीं अन्य ले जाया जाए तो उसे खुशी होगी। तत्पश्चात ए उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहीं रहने देता है, इस मामले में क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस मामले में ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की ने अपनी उम्र गलत बताई थी, सॉरी सी। ए ने विधिपूर्ण संरक्षकता से अवयस्क के व्यपहरण का अपराध किया है, सी ऑप्शन होगा, सी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, डिटेल देख लीजिए आप इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के में किस अपराध का उल्लेख है? यह अप्राप्त व लड़की का उपापन, सी ऑप्शन। IPC की धारा 366 के में किस अपराध का उल्लेख है? तो अप्राप्त व लड़की का उपापन, सी ऑप्शन है, डिटेल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ने अपनी घड़ी मरम्मत के लिए घड़ी साज को सौंपी, घड़ी साज को मरम्मत के पैसे न देने के इरादे से ए ने अपनी घड़ी जब तक घड़ी साज नहीं दे रहा था उठा ली, जब तक घड़ी साज नहीं देख रहा था तो उठा ली, इस मामले में ए चोरी का दोषी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची बुला रही है आपको, संपत्ति का परिदान
संपत्ति का परिधान होगा उद्दापन, संपत्ति को लेना होगा चोरी, संपत्ति का न्यास होगा आपराधिक न्यास, और स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषतः प्राप्त संपत्ति का संपरिवर्तन होगा आपराधिक दुर्विनियोग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग आंसर होगा बी। या फिर से देख लीजिए आप, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।